वेल हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशंस में यहां पर जो है गाइस लोन लिमिट को इंक्रीज करने से रिलेटेड पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी यूजर्स को प्रॉब्लम होती है गाइस। अभी आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बताऊंगा। अभी मेरी जो रीपेमेंट है वो भी यहाँ पर चल रही है गाइस। अभी इसकी जो डेट है वो नहीं आई है, लगभग और 8 या 10 दिन लगेंगे तब इसकी जो रीपेमेंट डेट है वो आएगी। लेकिन मैं अभी इसकी रीपेमेंट करके आपको दिखाऊंगा और अभी लोन की लिमिट को मैं दिखाऊंगा आपको कि मेरी जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अभी मैं के रीपेमेंट पर मैं जाऊंगा, नेक्स्ट अमाउंट ड्यू रहने दूंगा। अगर आप ब्रांच में लोन रीपेमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो को प्ले कर लीजिए। पूरी प्रोसेस की वीडियो मैंने बना रखी है गाइस, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली उस वीडियो को देख लीजिए पहले और फिर रीपेमेंट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं यहाँ पर इसकी जो रीपेमेंट है वो करता हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ गाइस। आप देखिए कि पेमेंट मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। मैंने 1500 रुपये का लोन लिया था और 1500 रुपये मेरे सक्सेसफुली रीपे हो चुके हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर सिर्फ 45 रुपये की रीपेमेंट की, लेकिन 1500 रुपये मेरे रीपे हो गए। तो इसमें गाइस हुआ ये है कि मैंने रेफरल बोनस को रिडीम किया था। अगर रेफरल बोनस के बारे में आप जानना चाहते हो कि रेफरल बोनस क्या है, हम उसे कैसे रिडीम करें, कैसे बैंक में भेजें, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आपको रेफरल बोनस से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ में गाइस अगर आप एप्लीकेशन में पहली बार आए हो तो फिर आप जो है गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन बढ़िया लगती है तो। वैसे गाइस स्टूडेंट हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी को लोन प्रोवाइड करती है ये एप्लीकेशन, वो भी आपके कम सिबिल स्कोर पर भी गाइस। अभी मैं सिंपली बैक टू माई लोन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है। लोन लिमिट इंक्रीज करने के लिए गाइस आपको टाइमली इसकी रीपेमेंट करनी होती है। अगर वो आप करते हो तो इजीली आपकी जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज होगी गाइस, जो कि अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम 8000 तक का लोन ले सकता हूँ। और गाइस ये जो लिमिट है ये मेरे को काफ़ी टाइम से शो कर रही है, मतलब 8000 की ही लिमिट मेरी शो कर रही है कभी से। तो इसमें एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप लोन की रीपेमेंट करते हो और आप सोचोगे कि हर टाइम मेरी लिमिट बढ़ेगी, जैसे कि फर्स्ट टाइम आपकी लिमिट मान लीजिए 1000 है, आपने 1000 का लोन लिया और रीपेमेंट कर दी, तो हो सकता है गाइस चांस है कि आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लिमिट सेम आपको वही देखने को मिल जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी लिमिट कम भी हो सकती है, क्योंकि जो ब्रांच एप्लीकेशन से वो एक आपको स्कोर देता है जब आप लोन लेते हो और आपकी ये कुछ डेटा का इस्तेमाल भी करता है आपको लोन देने के लिए। तो फिलहाल गाइस आप देखिए कि मेरे को लगभग कभी से यहाँ पर सिर्फ 8000 की ही मैक्सिमम लिमिट शो कर रही है और मैं इसकी रीपेमेंट भी टाइम पर कर रहा हूँ। कभी कभी मेरी जो लोन की लिमिट है वो डाउन भी हो जाती है, लेकिन इसमें मेरे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट अगर आपकी मान लीजिए कि 8000 थी और वो आपकी 1500 हो चुकी है या 2500 हो चुकी है, फिक्र मत कीजिए, दोबारा से आप लोन ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, और टाइम पर रीपेमेंट कीजिए, आपकी लिमिट वापस से सेम आ जाएगी या कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है, जब इन डिटेल्स के प्रूफ में आपको दिखाता हूँ कि ब्रांच आपको लोन कैसे प्रोवाइड करता है। इसमें मेन बात यही है गाइस कि आपको जो रीपेमेंट है बस उसी का ध्यान रखना है, रीपेमेंट आपको टाइम पर ही करनी है। अगर आप टाइम पर पेमेंट करोगे तो आपकी लोन की लिमिट इजीली इंक्रीज होगी। आपको ब्रांच 31 डेज़ का टेन्योर प्रोवाइड करता है, तो 31 डेज़ में आपको इसकी पेमेंट गाइस कोशिश करनी है कि आप 25 दिन के बाद ही करें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, या 20 दिन बाद भी कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कि आज ही पेमेंट करनी है, आज लोन लिया आज ही करनी है, तो इसमें थोड़ा इशू होता है। इसमें गाइस इंस्टेंटली हो जाती है पेमेंट, तो गाइस हो सकता है हमारे सिबिल स्कोर भी कम इंक्रीज हो और जो लोन मिलने के चांसेस है वो भी कम हो सकते हैं। तो आप लोन का टेन्योर सेलेक्ट करो, तो अगर 2 मंथ का टेन्योर है तो 15-15 दिन 20-20 दिन की आप गैप रख सकते हो। अगर एक साथ भी करते हो तो कर सकते हो गाइस, ये आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा बहुत गैप रखिए और 31 डेज़ के टेन्योर में कोशिश करिए कि आप 15 दिन या 20 दिन बाद ही इसकी पेमेंट करो, तो इससे अच्छा इफेक्ट होता है गाइस। लेकिन पेमेंट को आपको ड्यू नहीं करना है, टाइम पर इसकी पेमेंट करनी है आपको। अभी एक डिटेल्स और मैं क्लियर कर देता हूँ गाइस, कुछ प्रूफ में आपको दिखाऊंगा, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी यहाँ पर आपको एक और मेन डिटेल्स है जो आपके काम की है गाइस, इससे आपको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर इन्वाइट वाले ऑप्शन पर आप जाइए, इन्वाइट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि एंटर ए प्रमोशन कोड। अभी इस प्रमोशन कोड पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक प्रमोशन कोड पूछेगा, तो ये प्रमोशन कोड आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रमोशन कोड को आप आपके इंटर ए प्रमोशन कोड में इंटर कीजिए। फर्स्ट टाइम आप करोगे
जब भी आप लोन नहीं लोगे या लोन ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसमें एंटर कीजिए तो आपको फर्स्ट टाइम 100 रुपये का बोनस मिलेगा और जब आप नेक्स्ट लोन लोगे तो वो उसमें रीपे हो जाएगा। और रेफरल बोनस के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही सही उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए पूरी। अभी आप देखिए कि अभी मैं आपको अपने प्रूफ दिखाता हूँ, आप ये इनवाइट वाला सेक्शंस वाला जो प्रमोशन कोड है ये ज़रूर ऐड कर लीजिए गाइस, तो इससे आपको ही बेनिफिट होगा, साथ में मुझे भी कुछ बेनिफिट होगा। अभी मैं आपको प्रूफ्स दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर मैंने गाइस जो है लोन ऑफर्स में गया, मतलब मैं इनके फ्रैंकवेली आस्केट क्वेश्चंस में आया। आप देखिए मैंने मतलब इनके जो क्वेश्चंस हैं या हमारे अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के बारे में इनका रिप्लाई है। उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि विल माई लोन साइज इंक्रीज एवरी टाइम आई रीपे, कि जब भी मैं लोन की रीपेमेंट करूँगा क्या तब तब मेरी लोन की लिमिट बढ़ेगी। तो काफ़ी यूजर्स के मन में ये सवाल होता है गाइस। अभी इसमें उन्होंने बता रखा है कि योर लोन ऑफर आर ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन इट मे नॉट ऑलवेज इंक्रीज इमीडिएटली। आप देखिए कि हमेशा इंक्रीज नहीं होगा, तुरंत इंक्रीज नहीं होगा, इट विल इंक्रीज आवर टाइम एज यू कंटिन्यू टू मेक योर रीपेमेंट ऑन टाइम। ये गाइस इंक्रीज ज़रूर होगा लेकिन एक टाइम पर होगा, और जब आप लोन की रिपेमेंट टाइम पर करते जाओगे तब ये इंक्रीज होगा। लेकिन आप सोचोगे कि मैंने 5 बार रीपेमेंट की या मैं फर्स्ट टाइम रीपेमेंट करूंगा, 1000 का मेरा लोन है तो 2000 हो जाए, 10000 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है गाइस लेकिन टाइम पर रीपेमेंट करने पर ही होगा, और एक ही बार में नहीं होगा, थोड़ा आपको वेट करना होगा, तब जाके आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होगी। अभी एक और क्वेश्चन से जो ज़्यादातर यूजर्स के मन में होता है कि मैं जल्दी से अपनी लोन की लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, तो इसमें भी यही है कि आप टाइम पर रीपेमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ गाइस, इच लोन अमाउंट इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड, ये सेम है गाइस, और इसमें भी यही बता रखा है कि इच टाइम टू रीपे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये एक आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं ब्रांच एप्लीकेशन, और ये जो लोन है ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड करता है गाइस इनका सिस्टम। अभी देखिए कि आपको मेकिंग यूर रीपेमेंट ऑन टाइम टू इंक्रीज यूर लोन अमाउंट, बस इसमें इतना ही है कि आप टाइम पर रीपेमेंट कीजिए, आपकी लोन की लिमिट ईजिली इंक्रीज होगी। इसके अलावा अदर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है कि हम इस तरह से लोन की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने स्वयं ने आपको बताया कि जो 8000 की लिमिट है ये मेरी कभी की लिमिट है, लगभग 2 या 3 महीने हो चुके होंगे और इसमें मैंने काफ़ी टाइम से लोन भी लिया है। लोन्स का प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए कि जब से गाइस मेरी 4000 की लिमिट हुई थी, मैंने 4000 का लोन लिया था यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम, तो तभी से इसके बाद ही मेरी जो लोन की लिमिट है वो 6000 या 8000 हो चुकी थी। उसके बाद आप देखिएगा इसके मैं कितना लोन ले चुका हूँ जो आपको इजीली देखने को मिल रहा होगा, और फिर भी मेरी जो लोन की लिमिट है वो 8000 ही है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि आपकी लोन की लिमिट हर टाइम इंक्रीज नहीं होगी, ये टाइम पर ही इंक्रीज होगी, और ये तभी इंक्रीज होगी जब आप टाइम पर इसकी रीपेमेंट करोगे। तो आशा करता हूँ कि आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे गाइस कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।